वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, एक सूट मैंने और ऑर्डर किया है मीशो से। ये थोड़ा पार्टी वियर सूट है। बाकी चलिए खोल के देखते हैं कि ये पिक्चर के अकॉर्डिंग वैसे ही है या मतलब कुछ दिखता कुछ और है, मिलता कुछ है वाली सिचुएशन है इसमें। क्योंकि ये सूट मैंने काफ़ी टाइम से मतलब हर साइट में देखा है, अमेज़ॉन वगैरह में, तो मे बी शायद क्वालिटी का फ़र्क हो जो भी। चलिए देखते हैं एक बार इसको खोल के क्वालिटी कैसी है। मेन तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी प्राइस मैं इस वीडियो के नीचे आपको मेंशन कर दूंगी, कोड इसका मेंशन कर दूंगी। तो यदि आप लोग को पसंद है तो आप लोग भी ले सकते हैं। गाइस, आप लोग सोचते होगे ना कि मैं एक एक करके सूट क्यों दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही मतलब मेंशन किया था वीडियो में, जब मैं रियल रिव्यू शेयर कर रही थी, कि मैं कोई टाइम पास वाली वीडियो नहीं मतलब बनाना चाहती, कि मैंने सारे सूट ऑर्डर कर दिए और सारे वापस कर दिए। क्योंकि मैंने ऑनलाइन का काम किया है तो मुझे पता है जब रिटर्न जाता है तो उन वेंडर्स के भी पैसे कटते हैं। इसलिए मैं कोई ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहती। इसलिए जब जब मैं सूट अपने लिए कोई भी चीज़ लेती हूँ तो उसका ही रिव्यू मैं शेयर करती हूँ। तो गाइज, इसलिए मैं एक एक करके वीडियो आपको शेयर करती हूँ। जो कुर्ता लेती हूँ उसकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में होता है, सूट चलता है, वही मैं मोस्टली लेती भी हूँ। लोग ने देखा होगा मोस्टली ये ब्लैक और रेड कलर का सूट है, इसमें विथ पैंट, इसका दुपट्टा देखा होगा। अब चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है सूट। काफ़ी लोग इसका मतलब रिव्यू शेयर किया है काफ़ी लोगों ने इसका। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तब आपको याद आ जाएगा कैसा कौन सा सूट की बात कर रही थी मैं। गाइस, ये ब्लैक कुर्ता है, इसका एम साइज़ ही मैंने मंगवाया था। मुझे एम साइज़ आता है, थोड़ा एम लूज़ होता है, लेकिन मैं एम ही ले लेती हूँ ताकि थोड़ा कभी मोटी हो तो पहन सकूँ। बाकी ये इसका दुपट्टा है रेड कलर का। तो गाइस, ये रहा इसका कुर्ता जो ब्लैक है पूरा, और इसमें इस टाइप का प्रिंट का काम किया गया है पूरे कुर्ते में। और नीचे ये बॉर्डर जो है इसमें अलग डिज़ाइन दी गई हुई है। जो ये प्रिंट के जो डिज़ाइन है ये आगे पीछे दोनों साइड दिए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी इसमें इसका वी शेप का ही कट दिया गया है देखिए, और ये बंधन इस टाइप का लगाया गया है। बंधन के जो कॉर्नर है ना, उसमें वही काम किया गया है जो कुर्ते में किया गया है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये बाजू 130 है इसमें, और इसमें सेम वैसे प्रिंट दिया गया है, साथ में जैसे नीचे वहाँ कुर्ते में बॉर्डर का काम किया गया था ना, वैसे सेम बाजू में भी किया गया है। तो जब ये आपके हाथ में आएगा ना तो काफ़ी सुंदर लगेगा। यदि यदि ये लोग यही काम पूरा इसमें करके देते ना तो शायद वो लुक नहीं आता, पर इस वजह से मतलब कॉर्नर में ये वाला वर्क करके इन्होंने काफ़ी इसको जो लुक बना दिया है, थोड़ा हट के लगेगा कुर्ता ये। बाकी इसमें नेक में ये किनारे किनारे इन्होंने गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है। देखिए, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये गोटा पट्टी का वर्क है। तो ये भी थोड़ी स्पेशल इस कुर्ते को बना रहा है, पहनने पे ये थोड़ा अलग लुक देगा, क्योंकि यदि प्रिंट होता तो उतना अच्छा नहीं लगता। और कॉर्नर में इन्होंने ये लेस दिया है गोटा पट्टी का, तो अच्छा लग रहा है ये। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये सूट बहुत पसंद आया, और इसका कपड़ा भी अच्छा है। तो बाकी कपड़े की डिटेल्स वगैरह मैं आपको नीचे अपनी वीडियो में मेंशन कर दूंगी, प्राइस भी मेंशन कर दूंगी और कोड भी। प्राइस ये इसका पैंट रहा है, प्लाजो पैंट कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि लुक तो सेम ही दे रहा है पैंट। बस नीचे ये थोड़ा यहाँ से आपको पैंट शेप दे रहा है, क्योंकि यदि ये वैसे उस टाइप का ही चौड़ा होता तो प्लाजो होता ना, तो ये हल्का सा पैंट लुक में दिया गया है। और सेम ये पूरा वर्क आगे पीछे दोनों साइड पैंट में वही वाला दिया है जो कुर्ते में वर्क था, वही सेम वर्क है। अच्छी है, चौड़ाई भी अच्छी है इसमें। प्लाजो यदि कहें तो भी अच्छी है, पैंट कहें तो भी अच्छी है, तो कम्फर्टेबल रहेगा पहनने में ये, क्योंकि ज़्यादा टाइट पैंट भी फट जाते हैं और कंफर्टेबल नहीं होता पहनने में, तो उसके हिसाब से ये सही है। और देखिए, इसमें पैंट में भी वही नीचे वही सेम डिज़ाइन दी गई है जो उन्होंने स्लीव्स में दी थी और कुर्ते में नीचे दी थी, तो ये अच्छी चीज़ है। ये भी अलग लुक ही देगा जब कुर्ता अपना यहाँ तक होगा और इसका डिज़ाइन ये आएगी, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगी। ये लास्ट में रहा इसका दुपट्टा, जो सूट कुर्ता सेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि दुपट्टा ही अच्छा ना हो तो फिर सूट में मज़ा नहीं आता। तो इसका दुपट्टा काफ़ी चौड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पहन मतलब दुपट्टे में कोई कमी निकाल दे, तो दुपट्टे में तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं निकाल सकता। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, ये इसमें इस तरह से डिज़ाइन दी गई है, प्रिंट का काम किया गया है और पूरे दुपट्टे में इस टाइप के ये डिज़ाइन दी गई है। साथ में नीचे भी इस कॉर्नर में छोटी छोटी डिज़ाइन दी है जो पूरे दुपट्टे में दी है, और किनारे किनारे ये लेस वर्क दिया गया है।
ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेस से ना एक अलग लुक आ जाता है सूट में। तो ये आपके पार्टी वेयर भी चल जाते हैं, आपको नॉर्मल पहनना हो तो भी अच्छे लगते हैं। तो गाइज मुझे इसका दुपट्टा सबसे अच्छा लगा है, बाकी पूरा सूट ही अच्छा है। तो मेरी तरफ से 100/100 है सूट को, तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी इस सूट को ख़रीद सकते हैं। बाकी मैं इसकी डिटेल्स आपको अपनी वीडियो के नीचे दे दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वहाँ जाकर। तो गाइज़ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू गाइज़, बाय।